पंचायत और निकाय चुनावों के पास आते ही कठुआ बीजेपी इकाई ने आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की। समीक्षा बैठक में भाजपा के राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह मन्हास मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उनके साथ साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा समेत आसपास के इलाकों के कई कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। बैठक में आने वाले निकाय और पंचायती चुनावों पर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शमशेर सिंह मन्हास ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तरह हर 5 साल बाद होने वाले निकाय और पंचायती चुनावों की तर्ज पर रियासत में भी इन चुनावों की प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिए भाजपा वचनबद्ध है, ताकि लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। भारत माता की जय। इसलिए विषय है कि पार्टी की जी विचारधारा है उसी अग्गे लेना, क्योंकि इन्ना अभूतपूर्व काम इस इलाके और विशेषकर कठुए च मैं करूँ 70 साल से जिन्ना काम होया इन्ना उतर को यही नहीं है। अगर तुम उज्ज्वला योजना ले लो, चाहे वो तुम आवास योजना ले लो, कि योजना चाहे थोड़िया अपनी अटल पेंशन योजना ला लो, चाहे थोड़ी अपनी जड़िया गरीब कुड़ियाँ जी 1000 रुपये पेंशन लगती है, वो जी लगती उन्हें पैसे जमा होते खाते च वो ला लो, कि चीज़ा जी अस दसी सकने हैं। इस वास्ते मैं एक गल आखना और एक गल और आख कि अशोर लो कि सारी म्युनसिपैलिटियाँ सारे वार्ड अस जितने। देखो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल होने के नाते आप सब जानते हो कि राजनीति वाले तो यानी चुनाव लड़ते ही हैं। हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा का जो माध्यम है जिस प्रकार से चुनाव हैं, हम हर कार्यकर्ता का हर जन के समाज का कोई भी अंग होगा, हर वर्ग के लोगों की कैसे सेवा हो सकती है नीचे स्तर पर। और जैसे मैंने पहले कहा कि 3 टायर सिस्टम है और ये तीसरा टायर जो है ये मजबूत होना चाहिए, अगर ये मजबूत होता है तो समाज का हर वर्ग के लिए हम काम कर सकते हैं। देखो तो कारण ये है कि ये आज से नहीं, ये जब से जन के देश आज़ाद हुआ था तब से जम्मू कश्मीर की ये समस्या का हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, केंद्र भी लगा हुआ है कैसे इसका समाधान हो। अभी जन के जिसका राज्यपाल शासन शुरू हुआ है उस शासन के अंतर्गत जन के थोड़ी सी ठीक प्रयास किया गया इसे ठीक करने का, और आने वाले दिनों में गृह विभाग जो है होम मिनिस्ट्री जो है वो ठीक प्रकार से सारे कार्य कर रही है। तो सारी सिक्योरिटी फोर्स वगैरह कैसे करें, सब लोगों को समाज को अपने साथ लगाने का प्रयास, जो अपने जैसे हैं लोग उनको कैसे मिलाने का कोशिश करें, वो वहाँ पर किया जा रहा है और श्रीनगर बैठ कर ही सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल सकती हैं, ताकि हम समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं, समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज ऐसा कि जो देश के काम आए, देश के लिए लड़े और देश को अपना समझे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखो ये ऐसा है कि जिस प्रकार के हालात है आप खुद कह रहे हो उसमें शहादत तो देनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि हालात, मैं नहीं समझता ये इतने हालात बदतर नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं कहीं होती रहती हैं, कहीं घटना बड़ी भी हो जाती है किसी समय, लेकिन कोशिश किया जा रहा है प्रयास हो ऐसी घटनाएं भी ना हो। कार्यकर्ता की हत्या की गई ये छोटी मोटी बात है? देखो कार्यकर्ता की हत्या मैं छोटी मोटी नहीं कह रहा, कार्यकर्ता को शहादत तो आज से नहीं, हमने श्याम प्रसाद मुखर्जी का ही बलिदान करवाया था वहाँ पर, इसलिए ऐसी शहादतें तो होंगी हैं यहाँ पे जिस प्रकार के हालात, क्योंकि केवल जम्मू कश्मीर की लड़ाई जम्मू की लड़ाई नहीं है, कश्मीर की लड़ाई नहीं है, यह पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड यानी कि टेररिज्म है, चाइना के द्वारा उसका प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये देशों की लड़ाई है। आप कहोगे ये छोटी मोटी लड़ाई केवल कश्मीर के आतंकवादी या उग्रवादी में ISI का है, ऐसा नहीं है, बाकी विदेशों के इस बीच में हाथ है, उसके मुलावे उनके प्रयास किया जा रहा है, पूरा देश इसके लिए लड़ने को तैयार है, पूरा समाज इसके लिए लड़ने को तैयार है। मैं सह रहा हूँ कि आज ये पहली बार घटना नहीं है, मैं आज सामने आपके एक रख सका हूँ कि केवल ये कहा जाए ISI और कुछ लोगों की हरकतें ऐसी नहीं, इसके पीछे देश लगे हुए हैं, ये दो देशों की तीन देशों की लड़ाई है। वो देश ऐसा नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का अमन हो जिसकी बाबत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो 65 साल का 4 साल की तुलना मत कीजिए, हमें थोड़ा मौका दीजिए, आने वाले समय में सब ठीक कर देंगे। कठुआ से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।